देश के करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है भारतीय रेल। देश की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश के आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय रेल। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल ने हर क्षेत्र में कामयाबी की मिसाल पेश कर इसी श्रृंखला में भारतीय रेल महाराष्ट्र में फल्टन से पुणे वाया लोलन के बीच नई डेमू ट्रेन का शुभारंभ करने जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के सभी किसान, गन्ना व्यापारी, मजदूर, छात्र, कर्मचारी तथा लोगों को फल्टन से पुणे तक की नई ट्रेन सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा और उनके समय में भी बचत होगी। भारतीय रेल का महाराष्ट्र के लिए बजट आवंटन वर्ष 2009-14 में औसत 1,171 करोड़ रुपए था। अब वर्ष 2021-22 में वह बढ़कर 7,107 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि 507% अधिक है। लोलन फल्टन रेल सेक्शन लगभग 26 किलोमीटर का है। फल्टन गन्ना व सब्जियों की कृषि के साथ साथ एक शक्कर उद्योग आधारित क्षेत्र है। इसके आसपास कई चीनी कारखाने हैं। इसके अलावा अनार, शिमला मिर्च, ओकरा जैसे फलों का अच्छा उत्पादन भी इस जगह होता है। विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे फल्टन के निवासियों को तथा पुणे में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को डेमू ट्रेन द्वारा पुणे से फल्टन और फल्टन से पुणे डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे सुविधाजनक और आरामदायक रेल यात्रा का सफर शुरू हो जाएगा। इस मार्ग पर डेमू ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह डेमू ट्रेन सुबह पुणे से निकलकर लोलन होते हुए फल्टन पहुंचेगी, फिर फल्टन और लोलन के बीच ये ट्रेन दिन में चलेगी और शाम को फल्टन से निकलकर लोलन होते हुए पुणे आएगी। फल्टन डेमू ट्रेन सेवाएं निश्चित रूप से फल्टन के लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि यह पुणे से कनेक्टिविटी प्राप्त करके लंबी दूरी की ओर जाने वाले मार्गों में उन्हें लाभान्वित करेगी। फल्टन पुणे डेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। देश को गति रेल से, प्रगति भी रेल से।